नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है संख्याओं के साथ खेलना। यह विषय कक्षा छठी की एनसीईआरटी पुस्तिका से लिया गया है। इस विषय में हम पढ़ेंगे कारक और गुणक और भाज्य और संयुक्त संख्या। तो पहले है कारक और गुणक। मैं अगर सोचता हूं कि चार जो संख्या है उसका मैं भाग करूं उससे छोटे संख्याओं से, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 उसके बराबर के साथ भी, तो एक के साथ भाग करने पे मुझे शून्य शेष मिलेगा। अगर मैं 2 के साथ करता हूं तो भी मुझे शून्य मिलेगा। अगर मैं 3 के साथ करता हूं तो मुझे शून्य नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ 1 मिल रहा है। अगर मैं 4 के साथ करता हूं तो मुझे शून्य मिल रहा है। आप देखिए, 4 का 1 से, 2 से और 4 से भाग करने पे मुझे शून्य मिल रहा है। तो 4 को मैं यूं लिख सकता हूं कि 1 × 4 या 2 × 2, तो ये कारक है इनके, 1, 2, 4। 4 के कारक हो गए इधर 1, 2, 4। एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। अगर मैं 6 का भाग करूं उससे कम छोटी संख्याओं के साथ, तो वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 उसके बराबर। अगर मैं 6 का भाग करूंगा 1 के द्वारा तो मुझे शून्य मिलेगा। 6 का भाग करूंगा मैं 2 के द्वारा तो भी मुझे शून्य मिलेगा। 6 का भाग करूं 3 के द्वारा ये दोबारा शून्य। 4 के साथ करूंगा तो नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मुझे 2 शेष मिल रहा है, शून्य शेष नहीं आया इधर। अगर मैं 5 का करता हूं, 5 द्वारा करता हूं, तो इधर भी शून्य शेष नहीं आया है, 1 आया है। अगर मैं 6 का करता हूं, इधर शून्य आया है। तो 6 का भाग 1 से 2, 3, 4, 6 द्वारा करने से मुझे शून्य मिल रहा है। तो 6 को मैं यूं लिख सकता हूं, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन वो एक ही बात हो जाएगी। ये दोनों बात एक ही है। तो 6 के कारक हुए 1, 2, 3, 6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हुई कि जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, उनमें उन सब के पास एक एक संख्या सबका कारक होती है, और जो संख्या का आप कारक ढूंढ रहे हैं वो संख्या खुद का कारक होती है। जैसे 4 का कारक था 4, 6 का कारक था 6। हर संख्या खुद का कारक होगी और सारी संख्याओं का कारक एक जरूर होगा। इधर भी एक, इधर भी एक। अब है गुणक। गुणक आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि 4 है, अगर मैं 4 का पहाड़ा लिखता हूं तो 4, 4 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 10 तक का मैंने 4 का पहाड़ा लिखा है। इसमें ये जो संख्या है, ये 4 के जो पहाड़े में आती है, ये है इनके गुणक। गुणक को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 8 4 का गुणक है, तो अगर 8 का भाग हम 4 से करेंगे तो हमें शून्य ही मिलना चाहिए। अगर शून्य नहीं मिल रहा है तो मतलब वो उसका गुणक नहीं है।
ये देखिए, 4 का मैंने 2 से गुणा किया, मुझे 8 मिला। ये 8 से 8 कटा, मुझे 0 शेष मिला, मतलब कि 8 4 का गुणक है। ऐसे ही अगर 12 का करें तो 12 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 का 3 के साथ गुणा करते मुझे 12 मिल रहा है। इधर मुझे दोबारा 0 मिला है, मतलब कि ये 12 4 का गुणक है। चार के जितने भी पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी उसकी गुणक होंगी। आप इनमें से किसी को भी 4 के साथ भाग करके देख लीजिए, आपको 0 ही शेष मिलेगा। और एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि मुझे ये देखना है कि 12 6 का गुणक है क्या नहीं है, तो मैं 12 का भाग 6 से करके देखूंगा। अगर 12 6 का गुणक हुआ तो मुझे शेष में 0 मिलना चाहिए। मुझे शेष में 0 मिला है, मतलब 12 6 का गुणक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि गुणक जो होता है वह संख्या से बड़ा, ये बड़े बड़ा होने का वो है साइन। तो संख्या से तुम देख रहे हो, संख्या से बड़ा ही होगा या फिर उसके बराबर होगा। जैसे 4 4 का भी वो है गुणक, क्योंकि अगर मैं 4 को 4 से भाग करता हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है शेष में, तो 4 4 का भी गुणक है। तो गुणक हमेशा संख्या या उसके बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, और जो कारक होगा वो संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा हमेशा। और आप छह का भी करके देखिए। ऐसे 6 की पहाड़ा है, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। अगर मैं 60 का भाग करता हूँ 6 से तो मुझे 0 मिलना चाहिए। अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में आ रही है तो वह उसका गुणक अवश्य होगी। 6 का मैं 60 का मैं भाग कर रहा हूँ 6 से, तो मुझे 0 मिला है शेष में, तो मतलब 60 6 का गुणक है। अब है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के केवल 2 ही कारक होते हैं, एक तो संख्या 1 और वो संख्या खुद, जैसे कि 2 के कारक हैं 1 और 2, तो ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 के कारक होते हैं 1 और 3, संख्या 1 और वो संख्या खुद, तो ये इसके 2 कारक हुए, ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब 4 का उदाहरण देखते हैं। 4 के कारक हुए 1 2 और 4, इस संख्या के 2 से ज्यादा कारक हैं तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये कंपोजिट नंबर होंगे, ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। हमारे पास एक तरीका है जिससे हम 1 से 100 संख्याओं तक ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं और कौन सी नहीं है। इसमें आप देखिए, आप 1 से 100 तक पूरी गिनती लिख लीजिए, फिर आप वन संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या होती ना प्राइम नंबर होते हैं ना कंपोजिट, क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है। यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नंबर नहीं है, ये यूनिक नंबर है। यहाँ लिख देता हूँ यूनिक, तो ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो इसको छोड़ के आप 1 से 100 तक की गिनती लिख लीजिए, फिर अगला नंबर 1 के बाद है 2, तो 2 को आप देखिए कितने कारक हैं, 2 के 2 हैं, तो मतलब 2 अपर आपको पता है 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 से बाकी आगे जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 3 है 4 है
है, 6 है, 10 तक है। आप हर संख्या का 2 से भाग करके देखिए, अगर 0 आपको शेष के रूप में मिलता है तो उस नंबर को काट दीजिए। जैसे 4 के साथ करेंगे 0 मिलेगा, 6 का भाग 2 के साथ करेंगे 0 मिलेगा, इधर 8 के साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा, इधर 10 के साथ करेंगे 0 मिलेगा। ऐसे करते करते आप 100 तक करिए, 100 के साथ 2 का करेंगे तो भी 0 मिलेगा, तो 100 को भी काट दिया। फिर अब उसके बाद अगला नंबर देखिए आप, ये रहा 3। अब जितने भी नंबर जो कटे नहीं हैं उनका आप 3 से भाग करके देखिए, अगर उनमें भी आपको 0 मिलता है तो उन नंबर को भी काट दीजिए। अंत में आपके पास सिर्फ केवल वो संख्याएं रह जाएंगी जिनके सिर्फ 2 कारक हैं, एक तो नंबर 1 और एक वो खुद। तो जो संख्या आपके पास बचेंगी वो सारी अभाज्य संख्या आएंगी। अगले अभी एक वीडियो में आपको यही दिखाया जाएगा। हमने इस विषय में सीखा कारक और गुणक के बारे में, अभाज्य और संयुक्त संख्या के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।